प्रेशर कुकर में मैंने कीमा लिया है, 1 टेबलस्पून सॉल्ट, 2 टेबलस्पून गार्लिक जिंजर पेस्ट एंड 3/4 कप हॉट वाटर डाला है एंड 5 मिनट्स प्रेशर दूंगी, मतलब इसका पानी ड्राई करके। प्रेशर कुकर में मैंने थोड़ा सा ऑयल एंड थोड़ा सा देसी घी लिया है और इसमें 3 मीडियम साइज पोटेटोज को फ्राई कर रही हूँ। गार्लिक जिंजर पेस्ट डाल के जो कीमा मैंने गलाया था वो डाल दिए। 2 हैंडफुल्स मैंने फ्राइड अनियंस डाल दिए, बिरयानी मसाला डाल दी, कैन टमेटोज को मैंने क्रश किया है, आधा डाल दिए, आधे से थोड़ा ज़्यादा ही डाल दिए हैं कैन टमेटोज, क्रश हरी भी डाल रही हूँ। दही डाल के थोड़ा भूने और फिर तकरीबन आधा कप पानी डाल के 1 मिनट प्रेशर दूंगी। पॉट में काफ़ी सारा पानी उबलने के लिए रखती है, पानी में मैं एक बे लीफ डालूंगी, एक मोटी इलायची और काफ़ी सारा नमक, थोड़े से क्यूमिन सीड्स भी डाल रही हूँ। थोड़ी देर कवर करती हूँ तो जल्दी पानी बॉयल हो जाएगा। पानी बॉईल हो रहा है, इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल डाल रही हूँ, वेजिटेबल ऑयल यूज़ किया मैंने और ये चावलों में से पानी निकाल के ये इसमें डाल दिए हैं। सत्रह 18 मिनट हो चुके हैं और बहुत अच्छे चावल पक चुके हैं। अब मैं इनको स्ट्रेन करती हूँ। स्ट्रेन कर लिए हैं राइस, अब इस पॉट में मैं ये कीमे का मिक्सचर डाल देती हूँ। ये मिक्सचर भी बहुत मज़े का तैयार हुआ है, नमक थोड़ा कम था वो मैंने और डाल दिया है और इसके ऊपर मैं पूरे राइस फैला रही हूँ, इसमें लेयर्स भी नहीं बनाती तरीके से। राइस स्प्रेड करके मैंने तकरीबन हाफ लेमन का जूस इस पे निचोड़ दिया है, थोड़ा सा देसी घी डाल रही हूँ, थोड़ा सा ड्राई मिंट लीव्स है मेरे पास, इसमें एक साइड पे थोड़ा सा फूड कलर डालूंगी, ये सिर्फ एक साइड पे थोड़ा सा डाल रही हूँ, केवड़ा एसेंस डाल रही हूँ। दो कैप्स भर के डाल दिए केवड़ा, बिरयानी को जो प्यारा सा सजाते हैं वो मेरे बच्चों को नहीं अच्छा लगता, उनको कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ मुंह में भी आती भी अच्छी नहीं लगती, तो मैं इसलिए सिंपल सी बनाती हूँ लेकिन है बहुत मज़े की। अब इसको मैं तकरीबन 10 मिनट्स के लिए दम दे रही हूँ। 10 मिनट्स हो गए हैं, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। चूल्हा बंद करती हूँ, इसको थोड़ा सा मिक्स करती हूँ। पहला राइस की ये बात अच्छी है कि ये खिले खिले भी रहते हैं और टूटते भी नहीं। Enjoy!